वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे ग्लो सेवन यस गिजमोर की ग्लो जेड है बेसिकली सेवन ही यहाँ पे ये जेड मिट गया तो इसीलिए सेवन लग रहा था तो मेरे पास आ चुकी है थोड़ा लेट भेजा कंपनी ने बट यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो गिजमोर 1.78 इंच के डिस्प्ले के साथ ही वॉच आती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। 600 निट्स की ब्राइटनेस है, 368 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है और स्लिम मेटल बॉडी मिलती है और 15 दिन का मैराथन बैटरी लाइफ देखने को मिलता है। कॉलिंग ये सब चीज़ें हम पता कर चुके हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो गैस मैंने ब्लू एक्सेंट में मंगाया, ब्लू एक्सेंट में आपका ये जो डायल केस है वो भी ब्लू ही मिलता है। तो गैस देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से कैसे क्या मिलती है। इस तरीके की अनबॉक्सिंग आप इंजॉय करते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, गैस बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में हमारे टेकबुक चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम हैंडल हमारा टेकबुक उसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। गिव अवे हम बहुत जल्दी प्लान करने वाले हैं तो स्टिक रहेगा हमारे चैनल पे, 25K पे गिव अवे आने वाला है बहुत जल्दी, तो उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कोई भी सील नहीं मिलती इसमें ऐसा, बट इसमें मिल जाती है, यस ये यहाँ पे सील, और ये सील भी मतलब ऐसे ही है, ऐसे खुल जाती है, यहाँ पे कोई भी टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। और ये भी आपकी इस तरीके से खुल जाती है, ओके यहाँ पे थोड़ा सा फट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ओपन करते हैं। पैकिंग तो ठीक करेगी, बहुत ज़्यादा हार्ड है, ओके यहाँ पे ये रहा पेपर वर्क्स आपका, अच्छा खासा यहाँ पे मतलब रिसाइकल मटेरियल का यूज़ किया गया है। और गाइज ये क्या, मैंने तो ब्लू मंगाए थे, यहाँ पे गोल्ड एक्सेंट का कलर मेरे को मिला है, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया एक्चुअली लग रहा है। आई डोंट नो यहाँ पे वॉच वही है कि कोई और वॉच तो नहीं दे दी इन्होंने। आई थिंक यहाँ पे कौन सा है यहाँ पे स्मार्ट वॉच कलर यहाँ पे मेंशन नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे कहीं भी कलर मेंशन नहीं है, कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया ही है। आई डोंट नो यहाँ पे पता नहीं क्या है मतलब। और गैस यहाँ पे ये रिवॉच इट सेल्फ मेटल की बनी हुई है डेफिनेटली यहाँ पे, और इसको रखते हैं साइड में और चीज़ चेक करते हैं पैसे सबसे पहले। यहाँ पे ये आपको केबल और कुछ पैम्पलेट्स मिल जाते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं क्या क्या मिलता है। यहाँ पे रिचार्जिंग केबल और यहाँ पे कुछ पेपर वर्क्स मिलता है, दैट्स इट। तो 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है और इसमें फालतू के स्टिकर कुछ नहीं दिए गए हैं, तो ये है थोड़ा सा। यहाँ पे एप्लीकेशन मैं चेक करता हूँ कौन सी यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी इसके लिए, एप्लीकेशन का नाम भी नहीं है गाइस इसमें, पता नहीं QR कोड को स्कैन करके पता चलेगा। चलिए इसको साइड रखते हैं और वॉच पे आते हैं डायरेक्टली। सो गाइस ये रही वॉच इटसेल्फ और बिल्ड क्वालिटी तो ज़बरदस्त लग रही है इसकी देखने में, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब हैवी भी लग रही है इनफैक्ट यहाँ पे वॉच, और ओवरऑल मेटल की बिल्ड है मतलब एल्युमिनियम केसिंग मिल जाती है पूरी की पूरी इसमें। प्लीज़ चार्ज द वॉच फॉर फर्स्ट टाइम यूज़ करने से पहले इसको फुली चार्ज करना है बोला गया है। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड सेंसर के साथ ही वॉच आती है, इसको निकाल लेते हैं, पील ऑफ कर लेते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाता है डेडिकेटेड सेंसर के साथ, और यहाँ पे चार पिंस मिल जाती हैं और यहाँ पे एक टेक्सचर सा दिया गया है, डोनो यहाँ पे ये स्पीकर का वेंट है और ये माइक का वेंट मिल जाता है, और यहाँ पे एक और माइक का वेंट है, डोनो यहाँ पे 20mm आफ्टर मार्केट का स्ट्रैप्स में लगेगा, 22 नहीं है 20mm है बेसिकली, और यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं ये रहा, ठीक है। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हो डिस्प्ले अच्छी है, 2.5D कर्व ग्लास दिया गया है और ये गाइस लास्ट मीडियम टू थिन डिस्प्ले काफ़ी अच्छी लगेगी, इवन स्किन डिस्प्पे भी अच्छी लगेगी। वैसे कलर अच्छा लग रहा है मेरे को, आई डोंट नो यहाँ पे ब्लू कलर की जगह ये वाला कलर कैसे आ गया, बट कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, चलिए इसको वो करते हैं हम। और यहाँ पे गिजमोर की ब्रांडिंग भी मिल जाती है देख सकते हो यहाँ पे, अगर आपको विजिबल हो ये रहा। तो चलिए इसको फर्स्ट ग्लैंस में इसको फर्स्ट बूट करते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे टैप एंड होल्ड करके रखेंगे यहाँ पे, होपफुली इसमें बैटरी हो बेसिकली मैक्सिमम वॉचेस में होती है तो इसमें भी है, और एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे गाइस काफ़ी ओके UI फायरबोल्ट की वॉच का कॉपी किया गया, ये कह सकते हो जो पेबल की कॉस्मोस नोवा था उसका UI है पूरा का पूरा, देख सकते हो यहाँ पे ये रहा सेम मतलब इस तरीके से मिल जाता है। सिंगल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ है बेसिकली, मीडिया ऑडियो ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ पे, और ब्राइटनेस सेल्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, और सिमेट्रिकल बेजल्स लग रहा है मेरे को, बट अभी चेक करते हैं। वैसे दूसरा वॉच पीस लगा के यहाँ पे 4-5 वॉच पीस मिल जाते हैं, नहीं ज़्यादा मिलते हैं बेसिकली, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओके 10 वॉच पीस मिल जाते हैं। तो ये रहा डिस्प्ले क्वालिटी आप देख सकते हो साइड बाई साइड एमोलेड डिस्प्ले है, और गाइस यहाँ पे प्रॉपर वो नहीं मिलता आपको मतलब सिमेट्रिकल नहीं है, नीचे की साइड से हल्की चीज ज़्यादा मिलती है बट ऊपर की साइड से यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा है मतलब ओवरऑल यहाँ पे। और राइट साइड में स्वाइप करते हैं शॉर्टकट में जाते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो चाहो तो आप, यहाँ पे इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्वाइप करते हैं, यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन मिल जाती है, 30 हर्ट्ज़ का सैंपल रेट है, यहाँ पे देखो लैग कर रही है वैसे ये ठीक है,
नीचे की साइड से मैसेज नोटिफिकेशन है, ऊपर की साइड से टॉगल मेन्यू मिल जाता है, डीएनडी मोड है, टॉर्च लाइट ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप डिस्प्ले क्वालिटी आप पता लगा सकते हो कैसी क्या मिलती है आपको, साइड बाय साइड आप देख सकते हो। और उसी के साथ साथ एक चीज़ और मैं अनाउंस करना चाहता हूँ, अगर किसी को ये वॉच बाय करनी है तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं सेल कर दूंगा उसको, और डिलीवरी चार्ज इंक्लूड करके अराउंड 1450 रुपीज़ तक की मैं सेल कर दूंगा, क्योंकि 100 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज लग जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो किसी को चाहिए तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है इंस्टाग्राम पर। ठीक है, वैसे इसका जो प्राइस है 1500 रुपीज़ है, आपके सामने ने ये अनबॉक्स किया है मैंने और एज सच यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, वन सेकेंड, मेन जो चीज़ें उसको चेक करते हैं, उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये फ़ोन का ऑप्शन मिल जाता है, अभी कनेक्टेड नहीं है, सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, सेटिंग में क्या क्या मिलता है, मैनी स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, 4x मैनी स्टाइल मिल जाती है, मैनी स्टाइल 1 पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कैसी मिलती है, ये वाली टाइप की ग्रिड वाली मिल जाती है, और वापस से हम मैनी स्टाइल को चेंज करते हैं तो उस थर्ड वाली चेक करते हैं, इस तरीके से मिल जाता है, और वापस से हम मैनी स्टाइल पर चलते हैं, यहाँ पे फोर्थ वाली करते हैं लास्टली, तो यहाँ पे आई वॉच वाला मिलेगा क्या, नहीं, इसमें आई वॉच वाला मेन्यू नहीं है बेसिकली, तो यहाँ पे नॉर्मल मेन्यू ही मिलता है। यहाँ पे मैनी स्टाइल पे 1 वाली कर लेते हैं, ठीक है, नहीं गाइस 1 वाला नहीं, बेसिकली मेरे को यहाँ पे करना है वो वाला सेकंड वाला, वो सही रहेगा है ना, ये वाला ही सही है। और गाइस यहाँ पे उसके बाद क्या मिलता है आपको, डिस्प्ले का ऑप्शन, डिस्प्ले में वॉच फेस स्विच कर सकते हो, ब्राइटनेस सेल्स बढ़ा सकते हो, अभी मैंने फुल ही कर रखी है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन टाइम बढ़ा सकते हो, स्क्रीन टाइम 30 सेकंड का मैक्सिमम मिल जाता है। उसके बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन तो मिलना चाहिए, रेस्ट वेक का ऑप्शन है यहाँ पे, और साथ में AOD क्लॉक यहाँ पे आप ऑन कर सकते हो, डिजिटल एनालॉग वाला, ठीक है, तो ये मिल जाता है। अब गाइस मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन टाइम को कम कर देता हूँ ताकि आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिखा सकूँ इसकी, तो 5 सेकंड तक वेट करते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, हो जा। तो यहाँ पे ये रहा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का वॉच फेस, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्राइट मिलता है आपको, अच्छी बात है। और यहाँ पे एनालॉग हमको चेक करना है, डिस्प्ले में जाके स्क्रीन टाइम, यहाँ पे AOD क्लॉक, यहाँ पे एनालॉग वाला चेक कर लेते हैं एक बार। अब एनालॉग वाला कैसा आता है, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे एनालॉग वाला ये रहा, ठीक है, इस तरीके से मिल जाता है, तो अच्छा है गाइस, यहाँ पे अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, वैसे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं स्क्रीन टाइम बढ़ा लेता हूँ दोबारा से, 15 सेकंड का कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको बैटरी का मिल जाता है ऑप्शन, बैटरी सेवर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे बैटरी परसेंटेज भी शो करता है, वैसे देख सकते हो आप यहाँ पे। उसी के साथ साथ लैंग्वेज है, QR कोड है, पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे पासवर्ड भी सेट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। सपोज मैंने सेट कर लिया है, सक्सेसफुली सेट हो चुका है, ठीक है, देखो यहाँ पे मांग रहा है, तो अच्छी बात है, यहाँ पे पासवर्ड भी सेट कर सकते हो आप, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद तो कुछ नहीं है, सिस्टम का ऑप्शन मिलता है, रिस्टार्ट शटडाउन ये सब चीज़ें मिलती हैं। अब गाइस मेन चीज़ चेक करते हैं, यहाँ पे टेलीफोन का ऑप्शन मिलता है, ये भी चेक करेंगे, कॉन्टैक्ट पर्सन यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हो, कॉल रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो करता है। उसके बाद वॉइस असिस्टेंट भी देखने को मिलता है, डाटा यहाँ पे शो करता है। वर्कआउट मोड्स मिल जाते हैं बहुत सारे यहाँ पे, देख सकते हो टर्म्स ऑफ वर्कआउट मोड मिलते हैं, अभी हम चेक करेंगे। वर्कआउट रिकॉर्ड्स मिल जाता है, हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, और तो ये चेक करते हैं एक बार, बताते कि नहीं बताता, तो यहाँ पे अभी तो सेंसर ऑफ ही है, एज सच यहाँ पे बता नहीं रहा है, नहीं बता रहा है, ठीक है, और तो एयर यहाँ पे काम नहीं करता है, ये अच्छी बात है। और ब्लड प्रेशर मॉनिटर मिल रहा है जो फालतू का है एक्चुअली, वो भी दे रखा है इसके अंदर। और यहाँ पे चेक करते हैं, रेड एक्शन का सेंसर है, यस, और हार्ट रेट मॉनिटर का ऑप्शन भी है, और यहाँ पे ग्रीन एक्सरे का सेंसर है, यस, तो डेडिकेटेड सेंसर के साथ ये वॉच आती है। ब्लड प्रेशर को मैं चेक नहीं करूँगा वैसे भी। और मैसेज नोटिफिकेशन है, वेदर है, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग ऑप्शन है, म्यूजिक कंट्रोल मिल जाता है, बट यहाँ पे सॉन्ग्स को स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। और स्टॉप वॉच मिल जाता है यहाँ पे। उसके बाद अलार्म क्लॉक का ऑप्शन मिलता है, बट लगा नहीं सकते वॉच सेट सेल्फ। वॉलेट का ऑप्शन मिल जाता है, QQ VChat, ये पता नहीं क्या क्या इसमें रखा गया है। उसके बाद फ्रेंड कोड ऑप्शन मिलता है, ओके, फ्रेंड कोड है यहाँ पे, वॉलेट क्या है फिर, आई डोंट नो यहाँ पे ये क्या क्या दे रखा है एक्स्ट्रा इसमें। और यहाँ पे फाइंड फोन का ऑप्शन मिलता है, कैलकुलेटर भी देखने को मिल जाता है यहाँ पे, कैलेंडर भी मिलता है गाइस आपको, तो गाइस और क्या चाहिए, कैलेंडर भी मिल रहा है इसमें आपको, बैक करते हैं यहाँ पे। और उसी के साथ साथ यहाँ पे गेम्स नहीं मिलते हैं बेसिकली, तो ये थोड़ा सा फ्लो है। प्रेशर मॉनिटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और सेटिंग का ऑप्शन है। अब इसको पेयर करते हैं एप्लीकेशन के साथ, तो एप्लीकेशन के लिए हमको करना क्या है, यहाँ पे जो QR कोड ढूंढना पड़ेगा पहले, तो यहाँ पे QR कोड ये रहा, इससे एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। यहाँ पे एप्लीकेशन ढूंढ लेते हैं हम, ये रही फिट क्लाउड प्रो करके एप्लीकेशन, ठीक है, तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे पेयर हो चुकी है, देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, और प्रॉपरली यहाँ पे पेयर हो चुकी है, ठीक है, इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन में आ जाती है। ओके, आते ही यहाँ पे एक फॉर्मवेयर भी मिल चुका है, तो अपग्रेड करते हैं सबसे पहले, यहाँ पे डाउनलोड करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या गेम्स इसमें ऐड होंगे क्या। पहले पैकेट डाउनलोड हो रहा है, फिर उसके बाद वॉच में जाएगा, 20% से ऊपर होनी चाहिए वॉच में बैटरी, देन ओनली यहाँ पे शो करेगा वॉच में इटसेल्फ। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, लॉक में हटा देता हूँ एक्चुअली, ताकि कोई दिक्कत ना हो, पासवर्ड लॉक में ऑफ कर देता हूँ, हो चुका है ऑफ, तो
तो डाउनलोड हो रहा है फर्मवेयर अभी 84% हो चुका है। सो गाइज यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है और उसके बाद आपके जो वॉच में है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। सो यहाँ पे वॉच रिस्टार्ट होने वाली है, ठीक है। उसके बाद अपग्रेड यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा, आपको टच नहीं करना है वॉच को, ठीक है। आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि जिस जिसने इस वॉच को रिसीव कर लिया उसको ओटी अपडेट आ चुका है या नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे अभी रिस्टार्ट हो रही है वॉच। मेरे को एक चीज़ चेक करनी है, वो है गेम्स, और दूसरा फ्लूडिटी चेक करनी है एक्चुअली। ओके, अपग्रेड सक्सेस हो चुका है। यहाँ पे स्मूथ तो नहीं लग रही है, वैसे ही है, लैग है थोड़ा बहुत, बट गेम्स यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं हुए, तो ऐसा सच यहाँ पे कोई अपडेट नहीं आया है। अलार्म लगाने का कोई ऑप्शन है क्या? अलार्म लगाने का ऑप्शन तो था ही नहीं वैसे भी पहले भी, तो इस बार भी अलार्म लगाने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये सब है बेसिकली। अब गाइस एक काम और कर लेते हैं, एप्लीकेशन की चीज़ें देखने से पहले एक बार हम यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड चेक कर लेते हैं सारे के सारे, जैसे कि वॉकिंग वाला एक बार चल के देखते हैं यहाँ पे 50 स्टेप्स करके, और किस तरीके से कैसे एक्यूरेसी मिलती है। 50 स्टेप्स चलने के बाद यहाँ पे 52 दिखा रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट यहाँ पे स्टेप्स काउंटिंग यहाँ पे कर रहा है, दो का ही अंतर है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये एप्लीकेशन है इटसेल्फ यरी, ठीक है। यहाँ पे आपको अलार्म सेट करने का ऑप्शन मिलता है, ये होम पेज है, मिल जाता है इसमें सारी की सारी सिंक्रोनाइज हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपका ये रहा सेडेंटरी रिमाइंडर, अलार्म सेट करने का ऑप्शन मिलता है, अलार्म यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। सपोज़ अभी हम यहाँ पे लगाते हैं, अभी 8:10 हो रहा है, तो यहाँ पे 8:11 का लगा लेते हैं, ठीक है, सेव कर लेते हैं, यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं और सेव कर देते हैं, देखते हैं यहाँ पे बजेगा कि नहीं बजेगा। उसके बाद सेडेंटरी रिमाइंडर मिल जाता है, यहाँ पे आप इसको ऑन कर सकते हो, और साथ में यहाँ पे ड्रिंक वाटर रिमाइंडर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको वॉच फेस लगाने का ऑप्शन मिलता है, स्पोर्ट्स पुश, यहाँ पे वॉच फेस वो मतलब स्पोर्ट्स में मिल जाते हैं, यहाँ से आप पुश कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मिलता है। उसके बाद वेदर रिपोर्ट्स यहाँ पे शो करेगा। ओके, वाइब्रेशन मोटर मेरे को उतनी अच्छी फील नहीं हो रही इसकी, और ऐसे वाइब्रेट हो रही है, दैट्स इट, अलार्म लगाने पे। मोबाइल लोकेशन सर्विसेज इज़ नॉट ऑन, ओके, उसको करना पड़ेगा। रेस्ट वेक यहाँ पे ऑन कर सकते हो, और एलिवेटेड हार्ट रेट मेजरमेंट, ऑटोमेटिक हार्ट रेट, ये सब ऑन करोगे तो आपकी ज़्यादा बैटरी खत्म होगी। फाइंड ब्रेसलेट करते हो तो वॉच वाइब्रेट होती है, दैट्स इट, यहाँ पे रिंग नहीं होती है। फेवरेट कॉन्टैक्ट्स आप यहाँ पे सेव कर सकते हो, फेवरेट कितने कर सकते हो ऐड करके देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे 10 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट को आप सेव नहीं कर सकते, ये है थोड़ा सा इसमें। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको फैक्ट्री डाटा रीसेट का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे हार्डवेयर वर्जन मिल जाता है, यहाँ पे ये भी मिल जाता है, कैमरा शटर मिल जाता है देखने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे पिक खींच सकते हो, है ना, तो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। बैक करते हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आपको वॉच फेस मिल जाते हैं, तो वॉच फेस यहाँ पे चेक करने में मेरे को कितने मिलते हैं बेसिकली, आपको iOS डिवाइस में और Android डिवाइस में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों में ही सेम यहाँ पे वर्क करेगा। मैंने iOS डिवाइस के साथ पेयर किया हुआ है, तो आप कर सकते हो पेयर आपके पास जौन सा भी डिवाइस है। तो वॉच फेस लोड हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें मिल जाते हैं वॉच फेसेस, 100 से ऊपर ही मिलते हैं मेरे ख्याल से, 100 तक तो आराम से होंगे बेसिकली। तो यहाँ पे अपनी पिक वॉच फेस यहाँ पे आप लगा सकते हो, ये जो आइकन दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस पे टैप करना है, उसके बाद यहाँ पे चूज़ करना है बैकग्राउंड, तो आप इस तरीके से चूज़ कर सकते हो अपनी पिक को, और यहाँ पे हम डन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन भी चेंज कर सकते हो टाइम की, दैट्स इट, यहाँ पे सेट करते हैं वॉच फेस कन्फर्म। सो गाइज इस तरीके से अपनी पिक को एज अ वॉच फेस आप लगा सकते हो, सक्सेस हो चुकी है, और गाइज यहाँ पे काफ़ी क्लियर आ रही है पिक, देख सकते हो इस तरीके से, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब गाइज यहाँ पे चेक कर लूँ मैं, यहाँ पे ब्लर तो नहीं है पिक, देखो यहाँ पे ब्लर तो नहीं है, वैसे तो अच्छी तरीके से यहाँ पे आ रखी है। अब गाइज यहाँ पे कॉल मिलाते हैं, हमने वो चेक नहीं किया एक्चुअली, कॉल मिला के लाउडनेस कैसे क्या मिलती है आपको। ओके, कॉल ट्रांसफर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है इसमें, लाउडनेस तो कम लग रही है, अभी बढ़ाते हैं। ठीक है, लाउडनेस यहाँ पे ट्रांसफ़र भी कर सकते हो फ़ोन से और वॉच में भी ले सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, तो प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। और गाइस यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट भी प्रॉपरली काम करता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे अगर है वॉइस असिस्टेंट का शॉर्टकट, तो शॉर्टकट यहाँ पे नहीं है वॉइस असिस्टेंट का, आपको अंदर से यहाँ पे जाना पड़ेगा, तो इधर की साइड से आपका वॉइस असिस्टेंट आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, और थोड़ा सा नीचे जाना है आपको, और अगर नहीं मिलता तो छत पर जाना है आपको, मतलब ऊपर जाना है आपको, और ये रहा। व्हाट इज द वेदर ऑफ फरीदाबाद? तो प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रहे हैं,
और शटर स्पीकर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, इसमें सॉन्ग सुन सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर आपके में साउंड नहीं आ रही तो यहाँ पे जाना आपको मीडिया ऑडियो ऑन कर देना, दैट्स इट। इसको ऑफ करोगे तब भी कॉल लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। मीडिया ऑडियो ऑफ है बट यहाँ पे कॉल आपकी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कॉल मिलाते हो तो कॉल रिकॉर्ड में जाके यहाँ पे डायरेक्टली आप कॉल मिला सकते हो, तो यहाँ पे ये भी अच्छी बात है। अब कॉल करके देखते हैं दूसरे फोन से यहाँ पे रिंग बजता है कि वाइब्रेट होता है, क्योंकि एज सच इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो वो हम चेक कर लेते हैं एक बार यहाँ पे, क्योंकि सेटिंग में अगर मैं जाऊँ यहाँ पे कोई भी रिंग वाइब्रेशन, कोई भी मतलब वाइब्रेशन ऑफ कर सकते हो बेसिकली, बट यहाँ पे मोड चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया फिलहाल। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सॉफ्ट है वाइब्रेशन, ठीक है। चेक करते हैं एक बार कॉल करके। सो गाइस यहाँ पे नंबर आ रहा है और यहाँ पे सेम कॉपी कर रहा है रिंगटोन जो आपके फ़ोन की बज रही है, ठीक है। अब सपोज इसको पूरा म्यूट करना है तो वो ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है पूरा म्यूट करने का, तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे कितनी हैवी है वॉच है। और यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है, ओके 52 ग्राम्स की है बेसिकली, ठीक है। अब गाइस हाथ पे पहनते हैं और ऑक्सीमीटर के साथ एक्यूरेसी टेस्ट कर लेते हैं इस वॉच का। सो गाइस काफ़ी अच्छी लग रही है वॉच, और रेस्ट टू वेक के साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी काम करता है यहाँ पे, मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ रेस्ट टू वेक काम करता है। हार्ट रेट चेक करते हैं, ऑक्सीमीटर मैंने वेयर कर लिया है यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे हम चेक करते हैं ये रहा हार्ट रेट, ठीक है। और ऑक्सीमीटर में रिजल्ट आ चुका है, 97 SpO2 दिखा रहा है, हार्ट रेट हमारा 86 दिखा रहा है, ठीक है। 85 हो चुका है, यहाँ पे हमारा 84 है, ओके क्लोज टू एक्यूरेट दिखा रहा है हार्ट रेट। तो SpO2 चेक करते हैं यहाँ पे, SpO2 कहाँ गया, ये रहा। वैसे SpO2 के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता आप सभी को कि आप वॉच से चेक करें, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है 97 और इसमें चेक करते हैं। अब गैस यहाँ पे कंक्लूजन भी देता हूँ आप सभी को, देखो 1500 के प्राइस बैग में बहुत अच्छी डील है गैस। एमोलेड डिस्प्ले के साथ अगर कॉलिंग फैसिलिटी के लिए वॉच चाहिए आपको, कैलेंडर ऑप्शन चाहिए, कैलकुलेटर ऑप्शन चाहिए, सिंगल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी चाहिए, लाउडनेस भी अच्छी चाहिए, ओवरऑल ये वॉच मेरे को काफ़ी अच्छी लगी अंडर 1500 के प्राइस बैग में। डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी ये वॉच बन जाती है, आप सीधे ग्रैब कर सकते हो। लास्ट मीडियम टू थिन रिच के लिए काफ़ी अच्छी वॉच है, नॉइस आइकन टू विस्टा की तरह लुक लग रहा है इसका मेरे को, और उसके साथ मैं जरूर कंपैरिजन लेके आऊँगा आप सभी के लिए। तो फिलहाल ये था एक डीप डाउन रिव्यू अनबॉक्सिंग गिज़मो और गिज़फिट ग्लो जेड के लिए। अगर आपका क्वेरी इस वॉच से रिलेटेड और भी कुछ रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।